राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर यूपी के समस्त जनपदों में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने का काम किया गया, जिसके चलते महोबा जनपद के ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष संजय द्विवेदी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को 11 सूत्री प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ग्राम प्रधानों के मानदेय से संबंधित अन्य कई प्रमुख मांगे भी शामिल है। यहाँ पे डीएम साहब के यहाँ किस लिए आना पड़ा है आज आप लोगों को? आज हम लोगों ने प्रधान संगठन की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय पे हर जिला अध्यक्ष ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे करीब 11 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है, सरकार ने जो ग्राम पंचायत में शौचालय महिला समूह को दिए हैं उसमें 9000 रुपये ग्राम पंचायत के द्वारा भुगतान किया जा रहा है और जिम्मेदारी उस महिला समूह को दी गई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा प्रधानों के द्वारा शौचालय चलवाए जाएं। और दूसरा बिंदु है, अगर किसी प्रधान की मृत्यु होती है तो 25 लाख रुपए उसकी परिवार को बीमा के तौर पे दिया जाए। तीसरा बिंदु हमारा, विद्यालय में बिजली का बिल हम ग्राम पंचायतों के द्वारा दिया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि विद्यालय का बिल विद्यालय के द्वारा ही दिया जाए बिजली का। और तीसरा बिंदु हमारा वेतन 3500 रुपये है और वेतन हमारा बढ़ाया जाए काफ़ी सालों से 3500 रुपये। अगर समस्याओं का निवारण नहीं होता उस स्थिति में क्या करेगा आपका संगठन, ये बताइए? अगर समस्या का निवारण नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन करेगा प्रदेश स्तर पर।